आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बसपा प्रमुख का संबोधन 3 चरणों में रहा। दूसरे चरण में उन्होंने बसपा शासन काल की उपलब्धियां बताई, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख सभी वर्गों का ख्याल रखने का वादा किया। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने संबोधन के दूसरे चरण में आगरा की धरती से प्रदेश की जनता तक संदेश पहुंचाया कि बीएसपी की सरकार लोगों का कैसे भला कर सकती है। बहन जी ने प्रदेश के लोगों को अपने शासनकाल की याद दिलाई, अपने शासनकाल में किए गए कार्य गिनाकर सुशासन और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार के लिए लोगों से सहयोग मांगा। बीएसपी की रही सरकार ने दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी मुख्य एजेंडा होगा। बसपा प्रमुख ने लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर लोगों का उत्थान होगा, बिना भेदभाव के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, विवादित कानून हटेंगे, जनहित की योजनाएं और नए जिलों के पुराने नाम बहाल किए जाएंगे। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ जल्दी से लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में वह उनके नाम पर जनहित के जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिससे उनके प्रति इनके हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है, तथा जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। बहन जी ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के वादे के साथ कहा कि लोगों पर भाजपा शासनकाल में दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस कर सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही जेल में रखा जाएगा। बीएसपी की सरकार बनने पर यहां बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा और हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के नाम पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि जाति धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसाकर उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं वर्तमान भाजपा सरकार में, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने अपना संबोधन जारी रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को भी लुभाया। बसपा सुप्रीमो बोली कि प्रदेश में आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शनों को वे समाप्त करेंगी, शिक्षा विभाग में कार्यरत लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, उनकी मांगे मानी जाएंगी। प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में वह अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए
एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। अपने संबोधन के दूसरे चरण के अंत में बसपा प्रमुख ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ सवर्णों पर भी डोरे डाले। पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही बसपा अध्यक्ष ने विरोधियों पर हमले के बाद बसपा शासनकाल की याद लोगों को दिलाई और अपनी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था का स्वर्णिम दौर होने का संदेश भी दिया। बीएसपी एक मजबूत वोट बैंक की पार्टी मानी जाती है। 2007 में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 बीएसपी ने लूज किया, लेकिन मुख्य विपक्षी दल रही। 2017 के चुनाव मोदी लहर में बीएसपी सुपड़ा साफ कर गई। अब बीएसपी का सुपड़ा साफ हुआ जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश की 119 सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी, जिसमें वेस्टर्न यूपी में बीएसपी 35 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि वेस्टर्न यूपी के रण में जब बहन जी का उड़न खटोला उतरा है और आगरा से चुनावी श्री गणेश किया है, तो आगरा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के 10 जनपदों की 59 सीटों में से बीएसपी कितनी सीट जीतने में सक्षम होती है। कोटि मीना बाजार मैदान से अपने साथी कमल और राजीव के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।